अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं दम आलू की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, जिसके लिए मैंने छोटे छोटे से आलू ले लिए हैं, स्मॉल साइज के। अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप उसको कट कर लें छोटे पीस में, ठीक है। तो सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह के इसे छील लेंगे, इनके छिलकों को उतार कर इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने कॉटन के कपड़े से इसको थोड़ा सा पोंछ लिया है ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना रहे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आलू, जिसके लिए पाव चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, पाव चम्मच हल्दी और पाव चम्मच नमक ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो मसाला अच्छी तरीके से लग चुका है, अब हम आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दम आलू बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 10 से 12 काली मिर्चें, 3 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून सौंफ, 3 हरी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास अक्खा धनिया है तो वो भी इसमें ऐड करें। मेरे पास अक्खा धनिया नहीं था इसलिए मैं धनिया का पाउडर ऐड कर दूँगी। इन सब मसालों को हल्के से तवे पर रोस्ट करके हम इनका पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून लिया है और ये लाल सूखी हुई मिर्चें ली है मैंने, इनकी बीजों को निकाल लिया है क्योंकि ये तेज़ वाली है। और एक टमाटर बड़े साइज़ का और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। तो सबसे पहले जो ड्राई मसाला है इसको हम पीस लेंगे। तो मेरे पास धनिया अक्खा नहीं था, पाउडर था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें पाउडर डाल दिया है धनिए का। अब उसको पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा सूखा मसाला भी पीस कर रेडी है और जो मैंने कांदा टमाटर अदरक लहसुन आपको बताया था वो उसको भी मैंने पीस लिया है। अब दही लेंगे, 1/2 कप दही ले, दही को अच्छी तरीके से फेंट ले, ठीक है। इसमें हमने जो सूखा मसाला पीस कर रखा था वो ऐड कर देंगे। फिर जो हमने कांदा टमाटर अदरक लहसुन और लाल मिर्ची को पीसी थी उस मसाले को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा मसाला जार में बच गया है तो पानी डालकर उसे भी हम यूज़ कर लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे मसाले को। अब इसमें नमक ऐड करें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी जो है दम आलू बनकर तैयार होते हैं। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने काजू का पेस्ट ले लिया है, 6 से 7 काजुओं को भिगो कर रख के थोड़े टाइम के लिए, और उसको पीस लिया है मैंने जार में। तो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू का पेस्ट डालने से जो हमारी दम आलू की ग्रेवी होगी वो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बनेगी। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तेल को हम गरम कर लेंगे और उसमें आलूओं को फ्राई कर लेंगे। केयरफुली आलूओं को डालना है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी होता है तो स्टार्टिंग में ये उड़ेगा, तो संभाल कर हमें इसको फ्राई करना है फुल फ्लेम पर। अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो ये जो दम आलू की रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो सारे आलू देखिए फ्राई हो चुके हैं, अच्छी तरह से गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। इन सबको हम उतार लेते हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो सेम तेल ले लेंगे जिस तेल में हमने आलूओं को फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम मसालों को डाल देंगे। जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा था वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमें भूनना है, अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसको लीड से कवर कर देंगे क्योंकि ये उड़ रहा है मसाला, इस वजह से मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया है। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे कटा हुआ,
और जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखे थे उन आलूओं को हम फोक की हेल्प से इस तरीके से उसमें होल कर लेंगे ताकि फ्लेवर जो हो अच्छे से आलूओं के अंदर तक जाए। तो सारे आलू को इसी तरीके से मैंने होल कर लिया था। अब आलू डालने के बाद में इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, वेजिटेरियन के लिए तो ये बहुत अच्छी और बहुत सही रेसिपी है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। आधे ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है थोड़ी थिक होती है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। हाफ कप के करीब मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं दम आलू, तो उसमें क्रीम जाएगी, इसलिए अब क्रीम डालते वक्त गैस को आपको बिल्कुल लो रखना है या तो बंद कर देना है, वरना क्रीम आपकी फट सकती है। अब इसको सिर्फ हम 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि आलूओं में फ्लेवर्स अच्छे से आ जाए। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे मज़ेदार से दम आलू बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हो कि मैंने कितना थिक रखा है। तो इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने इस पर क्रीम डाला है। तो हमारी मज़ेदार से दम आलू की रेसिपी बनकर रेडी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।